हेलो एवरीवन, जय हिंद। और आज नेवियस सर का पेपर था, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कैसा पेपर गया और कैसा क्वेश्चन था। तो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या इस बार थोड़ा चेंजेस आ गया, जैसे कि इसमें इस बार क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इस बार आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश का, 25 क्वेश्चन फिजिक्स का, 25 क्वेश्चन मैथ्स का और 25 क्वेश्चन आपका साइंस जीके का। तो इस बार क्या कर रहा है इन लोग ने कि इसमें सेक्शन वाइज नहीं कर रहा है, जैसे कि इन्होंने मिक्स करके क्वेश्चन सेंड कर दिया है। जैसे कि एक नंबर क्वेश्चन अगर इंग्लिश का है तो 2 नंबर फिजिक्स का, 3 नंबर मैथ्स का, 4 नंबर ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया है। मतलब सिक्वेंस वाइज क्वेश्चन नहीं है कि लगातार 25 क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन नहीं है। तो इस बार क्वेश्चन चेंज कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कैसे अटेम्प्ट करना रहा बात क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन लेवल इजी था, इंग्लिश का लेवल इजी था, पैसिव वॉइस 2 था क्वेश्चन, इनडायरेक्ट से भी 2 था क्वेश्चन और बहुत सारा क्वेश्चन फिलर्स में था। 1 वर्ड कुछ नहीं था, 1 वर्ड से एक भी क्वेश्चन नहीं था, idiom से एक भी नहीं था। उसके बाद फ्रेजर वर्ब से क्वेश्चन था, फ्रेजर वर्ब से आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन थे फ्रेजर वर्ब से। और उसके बाद फिर और क्या क्वेश्चन थे, और मैं आपको बता देता हूँ, और कुछ जीके में आपको बता देता हूँ, AAA का फुल फॉर्म था। उसके बाद भक्ति आंदोलन करके कुछ क्वेश्चन था एक, उसके बाद एक ये मलेशिया का कैपिटल था, मलेशिया कैपिटल एक क्वेश्चन था। उसके बाद फिर एक और बता रहा हूँ मैं आपको, और एक था, और हाँ पैसेज एक भी नहीं था। तो कल जिसका भी पेपर होगा या कल पैसेज एक भी नहीं था। इस बार जो SRT में क्वेश्चन जो आता है ना, जैसे कि एक क्वेश्चन था कि कोई लड़की अपना दुकान खोलती है, केक का दुकान खोलती है, तो अगर उसका दुकान नहीं चलता है तो क्या उसे करना चाहिए, तो कुछ 4 ऑप्शन था जो उसको करेक्ट करना था। तो ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था रीजनिंग में कि 16:56:32, उसके बाद ऑप्शन में 4 ऑप्शन था जो कि 112 होगा इसका आंसर। 16:56:4:4:8:2:2:16:8:7:56, तो वैसे ही 16×2=32 और 16×7=112 ऐसे क्वेश्चन था। उसके बाद नरेशन से 2 था, और मैं आपको क्या बताऊं, और क्योंकि मैं आपको बताता हूं और क्वेश्चन, और कोई पोर्ट से क्वेश्चन नहीं था। आप देखिए, कल अगर पढ़ने जाते हैं आप, कल अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप सबसे पहले क्या करिएगा कि गांधी जी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। गांधी जी से एक क्वेश्चन था, गांधी जी से क्वेश्चन था कि वो अपना गुरु किसे मानते थे, तो आप गांधी जी से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और डांस से कोई क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद मैथ नॉर्मल था, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन थे, मैट्रिसेस से 2 क्वेश्चन थे, मैट्रिसेस से 1 क्वेश्चन था, डिटरमिनेंट से 1 क्वेश्चन था, और कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 क्वेश्चन था। उसके बाद फिर और उसे बाइनोमियल थ्योरम से 1 क्वेश्चन था, और पेपर फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था, मॉडरेट टू टफ था, और मैथ भी लगभग मॉडरेट टू टफ था, लेकिन इंग्लिश और जीके और GS नॉर्मल था। नॉर्मल था मतलब कि अगर 25-50 क्वेश्चन इसमें नॉर्मल लड़का, अगर अच्छा पढ़ने वाला लड़का है तो 20-30 नंबर वो कर लेगा इससे, अगर पढ़ने वाला लड़का है तो। और सिनोनिम्स एक था वेरी का, सिनोनिम्स दैट WARY वेरी का सिनोनिम्स था। और एक था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था, और एक स्ट्राइक डाउन का फ्रेजल वर्ब था, फ्रेजल वर्ब स्ट्राइक डाउन का, और आपको पंक्चुएशन से 1 क्वेश्चन था, पंक्चुएशन से 1 क्वेश्चन था। उसके बाद उसमें कॉमा लगाने के लिए क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था कंडीशनल सेंटेंस से जो कि इफ और वुड वाला होता है, वो 1 क्वेश्चन था। उसके बाद वेरी का सिनोनिम्स आपको मैं बता दिया, वेंट का सिनोनिम, VENT वेंट का सिनोनिम्स की पूछा था। और ओवरऑल पेपर नॉर्मल टू टफ था, और अगर आप कट ऑफ लगभग वैसे ही जाएगा जैसे पहले बार गया था। तो यही था कट सीक्वेंस, जो जो मैं आपको बताया हूँ वो पढ़ के चला जाइएगा, ऐसे 100% कॉमन क्वेश्चन फंसेगा। थैंक यू सो मच। अगर कुछ डाउट होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे जुड़िए, वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप मेरा लिंक होगा आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और या फिर कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।